हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आप सब ने मतलब दुनिया की खूबसूरत खूबसूरत जगह देखी होगी जहाँ पर एक बार जाने से दोबारा जाने का मन करता है। लेकिन आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने वाला हूँ जहाँ पर अगर एक बार आप गए तो दोबारा भूल कर भी जाने की कोशिश नहीं करोगे। तो शुरू करते हैं। नंबर वन, माउंट होसांग चाइना। पता है दोस्तों, लगभग ज़मीन से 700 फीट की ऊँचाई पर ये पहाड़ों पर सीधा ऐसे रास्ता बना हुआ है। यहाँ पे जो भी जाता है, यहाँ पे दो ही लोग जा सकते हैं, मतलब या तो जिनका दिमाग ख़राब है, क्रेजी है बिल्कुल, और दूसरा जो बहुत हिम्मती है, जिनको मतलब मौत से डर नहीं लगता। जो दोस्तों, इतनी ऊंचाई होने के बावजूद यहाँ पे सिर्फ एक कैसे चैन फंसाते हैं कमर में, और जो भी इस पे चलता है बिल्कुल उसकी सांसें अटक जाती है। यहाँ पे बिल्कुल खड़ा पहाड़ है, नीचे जो देखेंगे वो बिल्कुल चकरा सा जाएगा। और यहाँ पे फिर भी दोस्तों, जो मतलब स्टंट के शौकीन होते हैं वो लगभग हजारों की तादाद में यहाँ पे आते हैं। नंबर दो, बांगी जंपिंग न्यूजीलैंड। पता है दोस्तों, हमने मतलब ऐसे झूले बहुत देखे हैं जो मतलब आसमानी झूले होते हैं जिसमें ऐसे झूलने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन ये बांगी जंपिंग अलग प्रकार की है। इसमें पता है दोस्तों, लगभग ज़मीन से 1000 फीट की ऊँचाई तक नीचे ऐसे बिल्कुल ज़मीन रहेंगी या नदी रहेंगी, उस पर बिठा के इंसान को ऐसे सीधा रस्सी से बांध के सीधा फेंकते हैं नीचे, जिससे इंसान की चीखें निकल जाती हैं। अब तो ये स्टंट करने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं, जिससे इंसान को मतलब कुर्सी पे बिठा के फेंक देते हैं। अगर पता है दोस्तों, आप मतलब कमज़ोर दिल वाले हो तो गलती से भी यहाँ मत जाना, नहीं तो आपकी हार्ट अटैक से मौत आ जाएंगी, क्योंकि हार्ट फेल हो जाएगा दोस्तों इतनी ऊँचाई से गिरने से। नंबर थ्री, अमेरिका ज्वालामुखी चिली। पता है दोस्तों, हमने मतलब अभी पिछली वीडियो में देखा बंगी जंपिंग, जो मतलब आसमान से ऐसे कूदते हैं, मतलब जो पहाड़ की ऊंचाई पे ऐसे बनाते हैं जिससे कूदते हैं। और ये ज्वालामुखी चिली में पता है दोस्तों, यहाँ पे मतलब नीचे ज्वालामुखी होती, हेलीकॉप्टर के माध्यम से ऐसे ज्वालामुखी के ऊपर से कूदाते हैं। जैसे मतलब इंसान नीचे जाता है, लगता है कि अब मेरी जान गई आज, क्योंकि मैं ज्वालामुखी में गिरूंगा, जल के मर जाऊंगा। लेकिन जैसे ही रस्सी टाइट होती है, हेलीकॉप्टर जो चलाता है उसको लगता है कि इससे अब कुछ होने वाला है, वो सीधा रस्सी को टाइट करके इंसान को बचा लेता है। दोस्तों ये भी बहुत खतरनाक है। नंबर फोर, ट्रोंगटोंगा नॉर्वे। पता है दोस्तों, लगभग ज़मीन से 7000 फीट की ऊँचाई पर ये पहाड़ है, और पता है यहाँ पर जाने में लगभग 10 घंटे लगते हैं। यहाँ पे इंसान बहुत ही मशक्क़त करके चल जा पाता है, क्योंकि 10 घंटे चलना किसी के लिए आसान बात नहीं है। 10 घंटे में हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, जब 10 घंटे के कठिन मेहनत से यहाँ पे पहुँचता है तो इंसान को ऐसा नज़ारा दिखता है जैसे कि हम आसमान के ऊपर आ गए, दूसरी दुनिया में आ गए, इतना प्यारा दिखता है। और कुछ लोग इस पहाड़ के ऊपर आने के बाद नीचे देखने की हिम्मत ही नहीं कर पाते, इतना डरावना दिखता है। कुछ तो सनकी लोग होते हैं, जानते हो आप लोग, वो मतलब पहाड़ के साइड में आकर पिक खिंचाएंगे, भैया पिक खींच दो, माहौल बना देंगे। और नंबर फाइव, ग्लास ब्रिक चाइना। पता है दोस्तों, लगभग 500 फीट की ऊंचाई से ज़मीन में ये चाइना वालों ने बनाया है। ये ग्लास ब्रिज है, मतलब ये इतना ट्रांसपेरेंट है, आप इस पे चलोगे तो आपको लगेगा मैं हवा में उड़ रहा हूँ। मतलब कुछ लोग होते बिल्कुल डर जाते हैं, इस पे लेट जाते हैं डर के। और यहाँ पे वो इफेक्ट भी लगाया था, क्रैक इफेक्ट, जिससे मतलब पैर रखोगे क्रैक हो जाता था, लोगों को लगता था अब ये टूटने वाला है। 2-3 लोग ऐसे बेहोश हो गए, तब से ये इफेक्ट हटा दिया गया। और बाकी दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक फॉर वॉचिंग।